खा नहीं पाए का, हाँ पियेंगे सब, तो पिला दीजिए। अगर दिखाने का होता तो हम दिखा देते, इतना सीरियस, बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी कल, हाथ पांव टीन रहा था उसको। और उसके बाद फिर हम लोग कितना 3 बजे की 3:30 बजे उसको सदर हॉस्पिटल लेके गए, सदर हॉस्पिटल ले जाए। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो रानी इधर भर्ती है ना जी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमारा आज का ब्लॉग है बहुत ज़्यादा जो आप लोगों की पसंद, बहुत जन को पसंद करते हो, बहुत लोग उसको करते हैं। और सच में यार वो पहले से इतनी कमज़ोर है कि क्या ही बोले, खान पान में भी ध्यान नहीं रखती थी पहले से। हम लोग जितना भी बोलते थे खाओ पियो अच्छा से रहो, फिर भी वो नहीं रहती थी। तो गाइस हम बता दे रही है कौन है। तो गाइस अचानक से बहुत ज़्यादा रानी का तबीयत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस। हम सीरियस मूड तो दिखाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर चेकअप वकअप किया, तो फिर वहाँ से फिर रेफ़र किया एमजीएम। हम लोग गए एमजीएम, आप जमशेदपुर में जो भी होंगे आप लोग तो जानते होंगे कि एमजीएम कहाँ है, जहाँ मेरे बाबू पैदा हुआ था, हमारा गणेश, वहीं गए थे। कितना साल के बाद गए थे, जहाँ बाबू पैदा हुआ था ना जी। तो फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब कि इसका ना मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ। आप लोगों को भी अगर जानना है तो बिल्कुल ब्लॉग में बने रहिए। और अभी तो फिलहाल मैं काम करके आई हूँ, और फिर रात को ब्लड व्लड उसको चढ़ा, मतलब हम लोग कल रात भर परेशान थे। रात का 12 बजे हम पूजा और मेरे हस्बैंड गाड़ी इधर जा रहे, एक बार उधर जा रहे, इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे, उधर दौड़ रहे, और अब तो इसीलिए। और रानी पूरा सीरियस हो गई है, आपको बता देंगे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको सब पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। तो अगर देखते हैं हॉस्पिटल में तो ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे आप सबको क्या हुआ। और पूरा मतलब रात भर कल हम लोग परेशान, हम आए बच्चे दोनों को हम छोड़ के गए, गणेश और तानिया को, दोनों बच्चे घर पर रो रहे थे कल रात को। फिर हम लोग आए तो फिर देखिए तो बस वही है। तो अभी चलेंगे, अभी हम लोग रानी के पास, अभी तो फ़िलहाल पूजा चले गई है, पूजा चले गई। और मैं तो अभी काम हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं काम करती हूँ, तो मैं काम करने गई थी, काम करके जस्ट आई। तो मैं सोची आप लोगों को आज क्यों ना ब्लॉग, ताज़ा ताज़ा ब्लॉग दे दूँ, कि आप लोगों को जानने का पूरा हक है। तो इसीलिए ऐसे तो रानी मेरे साथ घर में ही है, पर हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे इसलिए कि रानी का 2-3 दिन से ना ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था। और मैं तबीयत ख़राब रहता ना, मुझे ब्लॉग बनाने की मन नहीं करता उसको देख के, क्योंकि कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मुझे कोई ज़्यादा सीरियस रहता है, उसका ब्लॉग बनाना और अपने आप को मनोरंजन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कल शॉर्ट वीडियो ही बना रही थी, कल ही अचानक इतना ज़्यादा हो गया ना, क्या ही बोले। आप लोगों को बताएँगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बाद में बताएँगे। आप लोग हमारे ब्लॉग देखते रहिए। और ऐसे ही अभी चलते हैं, पहले तो मैं नहा लेती हूँ, नहा ले, थोड़ा सा कपड़ा है बच्चों लोगों का कपड़ा धो लेती हूँ, और थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ उधर देख सकते हो फ्रेंड, बर्तन और थोड़े से कपड़ा पड़ा हुआ, वो सबको धो लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर चलते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ नाश्ता वास्ता किए नहीं है, भूखे हैं, पता नहीं मुझे भी तबीयत डेली रात को बुखार हो जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहें, जो भी होगा जैसा भी होगा आप सबको दिखाएँगे, और बहुत जल्दी आप लोगों को रानी से भी मिलाएँगे। चलते हैं, चलिए इस नहा लिए और कपड़ा वपड़ा भी धो लिए, बर्तन तो सब भी धो लिए। और अभी हम जा रहे थोड़ा मोबाइल दुकान इंस्टॉलमेंट भरने, तो इंस्टॉलमेंट मतलब मोबाइल सिम वाले इंस्टॉलमेंट में जो फ़ोन खरीदा था बोला इंस्टॉलमेंट भरना है। और हम एक मिक्सर खरीदे थे उसका भी हस्बैंड जी लिए थे। तो चलते हैं मोबाइल दुकान, अभी फिलहाल जा रहे हैं उधर से आएँगे, फिर चलेंगे रानी के पास निकलेंगे। देख रहे कैसे मेरा आँख से कैसे दिख रहा, लग रहा बीमारी टाइप का। तो चल जाके माते नहीं तो ज़्यादा दिन हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट फिर हमारा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अभी दे देंगे जो है जितना है। तो चलिए आप सब बने रहो, जो होगा जैसा होगा आप सबको दिखाएंगे हम, फिलहाल तो रानी का चिंता आ रहा। तो गाइस आ गए इंस्टॉलमेंट भर के हम लोग, और मेरा इंस्टॉलमेंट मिक्सर वाला पूरा हो गया, और सिमल का सिर्फ बचा है, सिमल का तो अभी बाकी है और 2 महीना, तो सिमल का भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही कि इस बार सिमल को मैं बोलूँ कि पूरा ही दे दो, सबसे बेस्ट, बार बार जाना ना मुझे लावन लगता है, थकावट महसूस हो रहा है एकदम,
तो चलिए अभी चलते हैं रानी के पास, कैसी है देखते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत सारा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, एक ब्लड टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद क्या क्या चेकअप है पता नहीं इसको। मैं तो वो खाना नहीं खाती ना, इसीलिए उसका गलती है, एकदम खाना नहीं खाने को उसकी। हम लोग बोलते खाना खाओ खाना खाओ, बोलते नहीं, खाली सोते रहती, वो अपने आप को ख्याल भी नहीं रखती है, ज़रा भी ख्याल नहीं रखती है। हम लोग तो खाते रहते 24 घंटा, उस तरह नहीं है वो, एकदम नहीं खाएगी, सोए रहेगी। आप लोग भी ज़रा से बोलिए कि थोड़ा अपने आप अपने शरीर को ख्याल रखे। मैं तो जितनी भी बीमार होती हूँ मैं अपने आप को ख्याल रखती हूँ, जो कमज़ोर होने ही नहीं देती मैं अपने आप को। तो अभी चलते देखते रानी का हालत कैसा है। तो अंकिता भी आई है, अभी हम लोग भी चलते हैं। फोन में तो कैमरा बड़ी मस्त है, मोबाइल पर वो कहना ले जाए। चलो वीडियो बना नहीं देगा, कहीं नहीं बनाना चाहिए। पार्किंग बार में पहुंच गए हैं, लेकिन इधर है, इसके अंदर है, बाहर बैठे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम चक्कर सा लग रहा है हमको भी, एकदम कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। कहाँ तुम गए, क्यों दिया? हस्बैंड जी खा रहे सत्तू रोटी छोटा छोटा। नहीं मैम, थोड़ा सा खा लो ना, गरम है। अच्छा नहीं, कुछ भी खा रहे, कड़वा ही लग रहा था, इसीलिए कुछ खाने का मन ही नहीं है मुझे। और लाने जा रहे, एक ही लाए थे। मेरा तो आप लोगों को हालत पता है, आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को मेरा भी रिपोर्ट मिल जाएगा, क्या हो रहा मुझे, क्यों हो रहा। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी दौड़ धूप कर रहा है। तो अभी अंदर जाएंगे तो अंदर में दिखाएंगे, पता नहीं वीडियो बनाने का अलाव है कि नहीं, ये नहीं पता हमें, जो होगा जैसा होगा आपको दिखाएंगे। आलू है इसके अंदर। फर्स्ट फ्लोर ऊपर में सब दिलने के लिए पहुंच जाएगा, समझे कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। टोकन लेके खाना हम लोग। टोकन? हाँ, सिमल को दिया। ओ वही का। किसको भी? अरे यार, तुम फोन किया है मेरे को। कौन किया? रुको ना तुम, तो और स्वाद दिख रहा है।